तो रुपये से ज्यादा गिर गए। वैसी ब्रदर हर मदद बोल रहे हैं, तुम जाल फेंकेंगे मैं जाल में आ जाऊंगा। और राम के नाम पे भी वोट नहीं मिल रहा है, ओवैसी ब्रदर्स के नाम पे वोट लेना चाहते हो। हम कुछ नहीं बोलेंगे। सियासत अकबर ओवैसी के घर की लौंडी है। मेरे बाप ने मुझे बताया, सही वक्त पे सही फैसले को ही सियासत कहते हैं। और जिनकी सियासी मौत हो चुकी है, उन मुर्दों में अकबर ओवैसी अपने अल्फाज की जान नहीं डालना चाहते। सालार भी कहते थे, मैं पहले भी कहता था, चुड़ी का बच्चा नहीं हूं, समझे? तुम जाल फेंकेंगे मैं जाल में आ जाऊंगा। नहीं, मैं जाल में आने वाला नहीं हूं। अरे बहुत भोकने वाले भोक रहे हैं, भोकने दो, बोलने दो, हर एक का जवाब देना मेरी आदत नहीं है। अरे जब शेर और हाथी गुजरता है तो कुत्ते जरूर भोकते हैं। अब वो अलग बात है कि जईफ हो गया, कई चीजों का शौक था, कभी घड़ी का शौक था तो कभी गाड़ी का था तो कभी कपड़ों का था, अब नहीं रहा। जवाब किसको कैसे देना है हमको आता है। अगर तुम्हारे पास जवाब है तो दो कितनी नौकरियां दी, जवाब है तो दो कि तुमने कितने सनतों को चालू किया, कितने शौचालय बनाए, जवाब है तो दो हिंदुस्तान की मईशत को कितना तुमने बनाया है, कितना पानी लाया है, कितनी बिजली लाई है। अरे तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो सिर्फ मुसलमान 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 मुसलमान। इतने बड़े लीडर, बहुत बड़े लीडर, कल का चाय वाला आज का वजीर आजम, बहुत बड़ा लीडर। अफसोस कि बीजेपी वालों को मोदी के नाम पे वोट नहीं मिल रहा, शाह के नाम पे वोट नहीं मिल रहा, योगी के नाम पे नहीं मिल रहा है। अब हद तो ये हो गई कि भगवान राम भी नाराज हैं और राम के नाम पे भी वोट नहीं मिल रहा है, तो अब ओवैसी ब्रदर्स के नाम पे वोट लेना चाहते हो। वाह रे वाह, क्या गिरावट है, ये तो रुपये से ज्यादा गिर गए। ओवैसी ब्रदर्स हर मदद बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। बेचारे हमारे गौ रक्षक इतना बीफ के नाम पे मार रहे थे, पीट रहे थे, लोच रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, उन गौ रक्षकों को भी इसने नहीं छोड़ा। आज ये भी इनसे नाराज है, क्यों? बीफ एक्सपोर्टर से इलेक्टोरल बॉन्ड्स में पैसा लिए। आप अंदाजा लगाओ। मिस्टर मोदी, तुम काम बताओ, कारकर्दगी बताओ, हिंदू मुसलमान को लड़ाओ नहीं। मुझे ऐसा दिखता है कि वो लोग जो इस मुल्क के तकसीम के जिम्मेदार थे, उनकी आत्माएं आज मोदी में दाखिल हो गई कि वो आज इस मुल्क के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को बांटकर अपने इख्तदार को हासिल करना चाहता। हम लोगों को बांटकर इख्तदार को हासिल नहीं करेंगे, हम मोहब्बत के साथ करेंगे। आज आपको हमको एक होना है, अपनी आवाज मजलिस है, मजलिस को मजबूत करना है। मजलिस काम कर रही है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी काम कर रहे हैं, और हमको और आपको मुनज्जम होना है, मुत्तहिद होना है, और 13 तारीख को आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहेगी।